Welcome. In today's lecture, we will learn about string and the difference between string and character arrays. But before we start today's lecture, I want to give you a summary of previous lecture. In previous lecture, we learned about two-dimensional arrays, and we also learned that how can we declare two-dimensional arrays. We learned about initialization methods. We also learned about accessing 2D array elements. And we also learned that how memory locations are reserved for 2D arrays elements. Okay. So let's start today's lecture. Today's agenda is string, then character arrays, and then what is the difference between character arrays and string. We will also learn about different libraries which we can use in C++ for string and for different purposes. So let's start today's lecture. What is string? In layman language, strings are nothing but a set of characters treated as a single entity. String पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास कैरेक्टर एरे कैसे डिक्लेयर की जाती है. हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की एरेज हो सकती हैं, जो कि इंटीजर भी हो सकती हैं, फ्लोट्स भी हो सकती हैं, कैरेक्टर भी हो सकती हैं. तो बात करते हैं कैरेक्टर एरे की. सबसे पहले हमारे पास आ गई डेटा टाइप, स्पेस, एरे का नेम. उसके बाद हमारे पास आता है साइज और हम लगा देते हैं टर्मिनेटर. इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक कैरेक्टर एरे है जिसमें 5 बॉक्सेस होंगे. हर बॉक्स का साइज होगा 1 byte और इसका मतलब है कि इस एरे में स्टोर हो सकते हैं अल्फाबेट्स. ठीक है, 1 byte है. इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास इसमें आउटपुट किस फॉर्म की आ सकती है. अगर मैं इसको स्टोर करवाती हूँ इसी टाइम पे इनिशियलाइज भी करवा देते हैं तो हम लिख सकते हैं सिंगल कॉमा में ए, ठीक है, सिंगल कॉमा में बी, सिंगल कॉमा में सी, अप टू सॉन, जितने भी एलिमेंट्स आप इस एरे में स्टोर करवाना चाहते हैं. ठीक है, एक और चीज यहाँ पे आ जाती है नल कैरेक्टर. नल कैरेक्टर किस तरह से होता है, /0 और हमने ये कॉमा लगा दिया. ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कि ये हमारे पास कैरेक्टर एरे है तो इसी को अगर हमने लिखना है स्ट्रिंग की फॉर्म में तो हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं. स्ट्रिंग इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल नेम डबल कॉमास ए बी सी, अगेन क्लोज कॉमास और टर्मिनेटर. ठीक है, ऊपर वाली जो हमारे पास है ये कैरेक्टर एरे हो गई और ये हमारे पास है स्ट्रिंग. उसी तरह से डिक्लेयर करवाते हैं जिस तरह से हमारे पास कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है. स्ट्रिंग डेटा टाइप है, स्पेस वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, हमारे पास जो भी हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो आएगी हमेशा डबल कॉमास में. ठीक है, ऊपर वाली जो हमारे पास है यहाँ पे आपको एक स्पेशल कैरेक्टर ये हमारे पास है जिसको हम कहते हैं नल कैरेक्टर, /0 से जो रिप्रेजेंट होता है. स्ट्रिंग में ये आपको नजर नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर नल कैरेक्टर ऐड हो रहा होता है. ठीक है, हमें खुद से ऐड करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जब हम बात करते हैं कैरेक्टर एरे की तो उसमें हमें खुद से जो है इस कैरेक्टर को ऐड करने की जरूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग एक, आप इसको कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास एक बिल्ड इन फॉर्म है कैरेक्टर एरे की. ठीक है, जिसको कंपाइलर मोस्टली खुद डील कर रहा होता है. इसीलिए हमारे पास स्ट्रिंग के डिफरेंट फंक्शंस भी हैं जो कि आगे विद एग्जांपल्स हम देखेंगे जिसको हम यूज कर सकते हैं. और अगर हम उस वही काम कैरेक्टर एरे के साथ करना चाहेंगे तो उसमें हमें खुद से लॉजिक बनानी पड़ेगी हर फंक्शन के लिए. ठीक हो गया, यहाँ पे क्या डेफिनेशन है जी, के स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, अ वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद एन डबल कोट्स टर्मिनेटेड विद अ नल कैरेक्टर. तो ये तीनों बातें हमने देख ली कि हमारे पास कैरेक्टर एरे में क्या डिफरेंस है और स्ट्रिंग में हमारे पास क्या है, डबल कोट्स आ रहे हैं. ठीक है, नल कैरेक्टर नहीं आएगा, कंपाइलर खुद से ऐड कर लेगा. तीसरी चीज की ये भी हमारे पास एक फॉर्म किसकी है, वन डायमेंशनल एरे की है. ठीक है, अगर आप यहाँ पे ब्लॉक्स को देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग की एक सिंपल सी एग्जाम्पल है जिसमें स्टार्ट में सारे के सारे 0 से लेकर 4 इंडेक्स तक कैरेक्टर्स एड हैं और लास्ट में आपको एक नल कैरेक्टर नजर आ रहा होगा. ठीक है, उससे नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, एड्रेसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है 23452,
वो नेक्स्ट का एड्रेस है 23453, उससे नेक्स्ट का एड्रेस है 23454. मीन्स हर जो बॉक्स है वो कितने कितने बाइट्स रिजर्व कर रहा है, 1 byte रिजर्व कर रहा है, और 1 byte में सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर ही आ सकता है. ठीक हो गया. तो इसका मतलब है कि कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. तो हम कैरेक्टर एरे को भी यूज कर सकते हैं और हम उसकी जगह स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हैं, बट इजी फॉर्म जो है वो स्ट्रिंग है. ठीक है. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल हियर. आपको यहाँ पे जो पिक्चर नजर आ रही है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक कैरेक्टर एरे ली हुई है. ठीक है, सिंपल. उसमें हमने साइज नहीं दिया हुआ क्योंकि हम यहाँ यहीं पे साथ ही इसको इनिशियलाइज भी करवा रहे हैं इस फॉर्म में. अब हम अगर कैरेक्टर्स को देखें तो कैरेक्टर्स हमारे पास सेव हो रहे हैं हेलो वर्ल्ड. ठीक है, हेलो के बाद हमने क्या किया हुआ है, सिंपल कॉमा स्पेस दी हुई है, देन हमने वर्ल्ड को एंटर करवा दिया. उसके बाद एक आपको ये मार्क नजर आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क. उसके बाद हमारे पास ये नल कैरेक्टर है जो कि हमने खुद से एंटर किया हुआ है. क्यों एंटर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने कैरेक्टर एरे की बात की है. ठीक है, अभी हम स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहे. स्ट्रिंग में तो खुद बहुत बाय डिफॉल्ट ही ये कैरेक्टर जो है नल कैरेक्टर ऐड हो जाता है. ठीक है, तो सिंपल हमने जब वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हमने क्या कर दिया, लिख दिया जो भी हमारे पास एरे का नेम है हेलो वर्ल्ड, वो सारी वैल्यूज प्रिंट करवा के दे देगा. और जब लास्ट में नल कैरेक्टर आएगा तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये नल कैरेक्टर है. इट मींस के हम बिल्कुल एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे की जो भी वैल्यूज हैं वहां पे पहुंच चुके हैं. तो उसके बाद हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना. ठीक है. अच्छा, कैरेक्टर एरेज कैन ऑल्सो बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स. इन दिस केस नो नल कैरेक्टर इज नीडेड एज द कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली इंसर्ट वन. अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि हमने कैरेक्टर एरे को एज अ स्ट्रिंग ले लिया है, जैसा कि आपको नीचे एग्जाम्पल में नजर आ रहा है कि हमने यहाँ पे क्या डिफरेंस है पिछली एग्जाम्पल से, प्रीवियस एग्जाम्पल से, कि वहां पे हमने सिंगल कॉमास में वैल्यूज ली इनिशियलाइज करवाई थी, यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज किए हैं. उसके दरम्यान में हमने जो भी वैल्यू लिखी वो एज अ स्ट्रिंग काउंट हो जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास स्ट्रिंग के तौर पर काम करेगा, है ये कैरेक्टर एरे ही, लेकिन इसको हम स्ट्रिंग की तरह भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं. ओके, सो डिफरेंट लाइब्रेरीज हमारे पास हैं जो कि हम यूज करते हैं. ctype.h हो गया, studio.h हो गया. ctype.h कैरेक्टर हैंडलिंग के लिए यूज होता है, studio.h इनपुट आउटपुट के लिए यूज हो रहा होता है, stdlib.h जनरल यूटिलिटीज के लिए यूज होता है, string.h जो है वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है, जो कि इस स्लाइड में हम डिफरेंट फंक्शंस को यूज करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं और करेंगे भी. इसके अलावा हम सी टाइप की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसको किस तरह से हम यूज करते हैं. यहाँ पे देखें, आपको एक सी स्ट्रिंग नजर आ रहा है. ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा था कि सी टाइप है. टाइप का मतलब है कि सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप ले लेते हैं. ठीक हो गया. ओके, सो यहाँ पे आपको डिफरेंट एरेज नजर आ रही हैं. एरेज कैरेक्टर एरेज हैं और इसको हमने एज अ स्ट्रिंग इनिशियलाइज करवाया है. फर्स्ट को भी हमने इनिशियलाइज करवा दिया, सेकंड को भी हमने इनिशियलाइज करवा दिया, थर्ड में हमने कोई वैल्यू नहीं दी, फोर्थ में भी हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाई. ठीक है, फर्स्ट हमने जो बिल्ट इन फंक्शन यूज किया वो हमने यूज किया strcpy, जो कि कहलाता है स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन. उसमें हमारे पास दो आर्गुमेंट्स आते हैं हमेशा, फर्स्ट आर्गुमेंट भी स्ट्रिंग है, दूसरा आर्गुमेंट भी स्ट्रिंग का है. ठीक है, अच्छा, कॉपी का मतलब ये है कि जो फ्रेगमेंट वन में वैल्यूज होंगी वो किसमें कॉपी हो जाएंगी, फ्रेगमेंट थ्री एरे में कॉपी हो जाएंगी. इसमें पहले कुछ नहीं था तो इसमें कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, ये वैल्यूज इसमें आके कॉपी हो जाएंगी. जब भी आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपको ये वैल्यूज नजर आएंगी. ठीक है, strcat, strcat भी कहते हैं इसे, स्ट्रिंग कंकेटिनेशन होता है ये. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों स्ट्रिंग्स जो आपने वेरिएबल्स इसमें दिए हैं वो दोनों आपस में कंकेटिनेट हो जाएंगी. मींस फ्रेगमेंट थ्री में हमारे पास क्या स्टोर हो चुका है, IMAS. ठीक है, ये वाली जो वैल्यू थी वो स्टोर हुई थी ऊपर, जो हमने कॉपी का फंक्शन यूज हुआ था वो कहाँ पे जाके साथ लग जाएंगी, फाइनल स्ट्रिंग में जो वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे आके अब ये वाली वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी. ठीक हो गया, कंकेटिनेशन का मतलब है कि दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता है, मींस अपेंड कर देता है वैल्यूज सेकंड स्ट्रिंग की फर्स्ट स्ट्रिंग के वैल्यू के बाद.
ओके इसी तरह स्ट्रिंग कंकैटिनेशन दोबारा हमने यूज किया है, फाइनल स्ट्रिंग में ही हम लगा रहे हैं फ्रेगमेंट टू की वैल्यूज। तो फाइनल स्ट्रिंग में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, उसमें पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग टू आके लग जाएगी तो बिल्कुल हमारे पास जो ट्रिंग है वो एस के बाद आ जाएगा, तो पूरी हमारे पास जो वैल्यू आएगी जब हम फाइनल स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आई एम अ स्ट्रिंग, पूरा हमारे पास सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि फ्रेगमेंट वन से हमारे पास आई एम अ एस कॉपी हुआ था फ्रेगमेंट थ्री में जो कि ब्लैंक थी, देन फ्रेगमेंट थ्री से यही आई एम अ एस कॉपी हुआ फाइनल स्ट्रिंग में के साथ जाके लग गया यहाँ पे जो कि ऑलरेडी ब्लैंक थी, उसमें नहीं था, उसमें जाके कंकैटिनेशन हो गई। और फ्रेगमेंट टू जिसमें पड़ा हुआ था ट्रिंग वो जाके लग गया फाइनल स्ट्रिंग की वैल्यू में जिसमें पड़ा हुआ था आई एम ए एस, उसके बाद ट्रिंग लग गया, तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा आई एम अ स्ट्रिंग, और इससे हमारे पास पूरी वैल्यूज आ जाएंगी एक ही स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक हो गया। ओके डिफरेंट कौन कौन से फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के सी प्लस प्लस में, एक हमारे पास है सब एस टी आर मीन्स सब स्ट्रिंग। इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं कि जब हमें कोई पूरी स्ट्रिंग में से कहीं एक कैरेक्टर से लेके एंड तक या मिड कैरेक्टर कैरेक्टर तक किसी भी इंडेक्स से लेके किसी दूसरे इंडेक्स तक हमने वैल्यूज को गेट करना है, ठीक है। सब का मतलब है पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक हो गया। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन हमने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया कि क्या कर रहा होता है, अपेंड कर रहा होता है स्ट्रिंग को सेकंड स्ट्रिंग को फर्स्ट स्ट्रिंग में, ठीक है। स्ट्रिंग कंपैरिजन हमारे पास सीएमपी यूज होता है कि जिस टाइम पे दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल होंगी उस टाइम पे हमारे पास आउटपुट जीरो आएगी। स्ट्रिंग वन अगर स्ट्रिंग टू से ग्रेटर होगी तो हमारे पास आउटपुट पॉजिटिव आती है, ठीक है। अगर हमारे पास स्ट्रिंग वन स्मॉलेस्ट है स्ट्रिंग टू से तो उस टाइम पे हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, नेगेटिव आती है, ठीक है। ओके सो हमारे पास कंपैरिजन किस बेस पे हो रहा होगा, इन दोनों स्ट्रिंग का आपस में ASCII वैल्यूज के बेस पे कंपैरिजन हो रहा होता है, ठीक है। strcpy स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग टू को कॉपी कर देगा स्ट्रिंग वन में जाके। strlen स्ट्रिंग लेंथ फाइंड आउट करता है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वन दी हुई है तो इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी पूरी स्ट्रिंग की। ओके लेट्स सी द एग्जांपल हियर। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक स्ट्रिंग लिया है वेरिएबल s इज इक्वल टू, इसमें पूरा हमने सेंटेंस जैसे ही स्टोर किया इनिशियलाइज किया तो हमारे पास बैकएंड में क्या हो रहा होगा, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज स्टोर हो रही हैं। देखिए यहाँ पे इंडेक्सेस हैं सारे, ऊपर हमारे पास वैल्यूज हैं, इसके बाद स्पेस थी, ठीक है। इज अगेन स्पेस, आ अगेन स्पेस, इजी अगेन स्पेस, लैंग्वेज, ठीक हो गया। ओके इंडेक्स हमारे पास उसी तरह से सिंपल एरेज जैसे इंटीजर एरेज थी, उनका जीरो से स्टार्ट होता था, इसका भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रिंग लैंग्वेज एस डॉट सब एस टी आर, जो कि मैंने कहा था सब एस टी आर यूज होता है स्ट्रिंग का पार्ट लेने के लिए। तो जब मैं इंडेक्सेस बिगनिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स जब दे रही हूँ तो ये जीरो से लेकर थ्री का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास होगा, ठीक है। आउटपुट क्या आएगी, सी प्लस प्लस आपके पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जाम्पल थी जो कि ये बता रही थी कि किस तरह से स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर होती है।